हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज फिर हम बात करने वाले रियलमी डिस्ट के बारे में और वन प्लस 12R के बारे में, क्योंकि दोनों स्मार्टफोन आपको सेम प्राइस पर देखने को मिल जाता है और दोनों स्मार्टफोन जो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। तो गाइस, काफ़ी लोगों का कन्फ्यूजन है कि कौन सा स्मार्टफोन जो ज़्यादा बेटर है इन दोनों स्मार्टफोन से। तो गाइस, मैं यहाँ पे इन दोनों स्मार्टफोन का कंपैरिजन जो है करने वाला हूँ और दोनों स्मार्टफोन में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। तो गाइस, आपको इस वीडियो में यहाँ पर पता जो है लग जाएगा। और गाइस, जो भी ये स्मार्टफोन लेने के बारे में सोच रहा है, एक बार ये वीडियो यहाँ पर देख ले और तो गाइस उसको अच्छे से पता लग जाए कि कौन सा स्मार्टफोन जो ज़्यादा बढ़िया है। तो गाइस, बने रहिए वीडियो में एंड तक। तो चलते हैं, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो इस बात कर लेते हैं सबसे पहले हम डिज़ाइन को लेके। तो दोनों स्मार्टफोन का डिज़ाइन जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। दोनों स्मार्टफोन जो है आपको यहाँ पे प्रीमियम डिज़ाइन के साथ आपको देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पे डिज़ाइन जो है यहाँ पे सब्जेक्ट यहाँ पर हो सकता है, किसी को यहाँ पर रियलमी GT6 पसंद आ सकता है और किसी को यहाँ पे वन प्लस 12R यहाँ पे पसंद जो है आ सकता है। बाकी बात करूँ यहाँ पे मैं बैक साइड में, तो बैक साइड में आपको दोनों स्मार्टफोन में ट्रिपल कैमरा सेट यहाँ पर देखने को मिल जाता है और आपको ब्रांडिंग भी देखने को मिल जाता है, आपको वन प्लस की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है और यहाँ पर रियल मी लिखा हुआ है। अगर मैं पास से दिखाऊँ तो आप पास से देख सकते हैं लिखा 50 MP AI कैमरा। तो यहाँ पर AI फीचर जो है रियल मी में आपको यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है वन प्लस के मुकाबले। और बात करूँ मैं साइड में, तो आप देख सकते साइड में आपको यहाँ पर वॉल्यूम के अप एंड डाउन बटन यहाँ पे देखने को मिल जाता है, पावर बटन देखने को मिल जाता है दोनों स्मार्टफोन में। बात करूँगा जी मैं निचले साइड, तो निचले साइड आप देख सकते हैं आपको मिल जाता है स्पीकर, टाइप सी पोर्ट, प्राइमरी माइक्रोफोन और सिम ट्रे। और बात करूँ ऊपर की साइड, तो कैसे ऊपर साइड आप देख स्पीकर की लागू देखने को मिल जाते हैं, आयर ब्लास्टर और सेकेंडरी माइक्रोफोन, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और बात करें बिल्कुल साइड में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रियलमी GT6 जो बिल्कुल प्लेन है, तो आपको यहाँ कोई भी एक्स्ट्रा बटन यहाँ पे देखने को नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे वन प्लस 12R यहाँ पे आगे निकल जाता है बटन के मामले में। तो आपको यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बटन यहाँ पे देखने को मिल जाता है, सिलेक्टर बटन, जिससे आप रिंग और साइलेंट इसी बटन से यहाँ पर कर जाते हो, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो काफ़ी ईजी हो जाता है स्मार्टफोन को यूज़ करने में, तो ये आपको एक्स्ट्रा बटन यहाँ पे वन प्लस 12R में देखने को मिल जाता है। और अगर मैं बात करूं इन दोनों ही स्मार्टफोन के यहाँ पे डिस्प्ले को लेके, तो दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले आपको यहाँ पे कर्व देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो आपको डिस्प्ले एक्सपीरियंस जो है काफ़ी ज़्यादा बेटर यहाँ पर होने वाला है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर डिस्प्ले साइज़ का, तो उसे आपको सेम ही देखने को मिल जाता है, 6.78 इंच की डिस्प्ले यहाँ पर देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे जो इसका रिफ्रेश रेट है वो मिल जाता है आपको 120Hz का रिफ्रेश रेट आपको देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और जो डिस्प्ले है आपको दोनों स्मार्टफोन में AMOLED डिस्प्ले यहाँ पर देखने को मिल जाती है, और इसमें आपको HDR10 का सपोर्ट भी यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जिससे आप यहाँ पे कंटेंट वगैरह देखने में काफ़ी अच्छे कलर आपको देखने को मिलेंगे। तो कंटेंट वगैरह देखना आपको कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आने वाली है, तो आप यहाँ पे इजीली यहाँ पे कंटेंट वगैरह यहाँ पे देख सकते हो। थोड़ा बहुत आपको फ़र्क देखने को मिल जाता है दोनों स्मार्टफोन में, मैंने यहाँ पे यूज़ किया तो मेरे को जो कंटेंट वगैरह मैंने जब देखा तो वन प्लस की क्वालिटी मेरे को थोड़ी ज़्यादा बेटर यहाँ पर देखने को मिली। बाकी दोनों स्मार्टफोन की जो डिस्प्ले जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, तो 19 PS का फर्क यहाँ पर हो सकता है। बाकी आप देख सकते हैं मैंने अभी डिस्प्ले में भी ऐड जो है किया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो डिस्प्ले क्वालिटी जो है काफ़ी ज़्यादा बेटर है दोनों ही स्मार्टफोन की। तो गाइस, अगर मैं बात करूँ दोनों स्मार्टफोन की पीक ब्राइटनेस की, तो यहाँ पे रियलमी GT6 जो है यहाँ पे थोड़ा आगे यहाँ पे निकल जाता है, क्योंकि इसके अंदर आपको पीक ब्राइटनेस यहाँ पर मिल जाती है, 6000 nits की पीक ब्राइटनेस आपको देखने को मिल जाता है, जिससे आपको इंडोर आउटडोर में कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं आने वाली स्मार्टफोन को यूज़ करने में। और जो उसका UI वगैरह है, आइकन्स वगैरह आपको काफ़ी साफ यहाँ पर देखने को मिलेंगे सनलाइट के नीचे भी। और यहाँ पे जो वन प्लस 12R की पीक ब्राइटनेस है वो आपको मिल जाती है यहाँ पे 4500 nits की, जो कि काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर मेरे को कोई भी यहाँ पर दिक्कत यहाँ पर नहीं लगी है स्मार्टफोन को यूज़ करने में, लेकिन यहाँ पर जो आपको यूज़ करने में यहाँ पे रियलमी GT6 जो है काफ़ी अच्छा यहाँ पे परफॉर्म करके यहाँ पर देगा वन प्लस के मुकाबले। तो यहाँ पे पीक ब्राइटनेस के मामले जो वन प्लस है थोड़ा यहाँ पे पीछे यहाँ पर हो जाता है। बाकी अब जो है बात कर लेते हैं इन दोनों स्मार्टफोन की बैटरी को लेके, तो दोनों स्मार्टफोन की बैटरी जो है आपको सेम ही देखने को मिलती है, 5500 mAh की बैटरी आपको देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन मैंने यहाँ पर जब स्मार्टफोन को यूज़ किया, तो वन प्लस की जो बैटरी है वो जो है काफ़ी ज़्यादा जल्दी यहाँ पर ड्रेन जो है हो जाती है। और यहाँ पे जो रियलमी GT6 की बैटरी है वो आपको यहाँ पे थोड़ी कम ड्रेन देखने को मिल जाती है, जब मैंने यहाँ पे एडिटिंग की और गेम्स वगैरह खेली, तो यहाँ पे जो वन प्लस की बैटरी है वो जो है थोड़ी जल्दी मेरे को यहाँ पे ड्रेन देखने को मिली है, और रियलमी की थोड़ी यहाँ पर कम ड्रेन यहाँ पर होती है। बाकी दोनों स्मार्टफोन की बैटरी जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, तो आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं आने वाली है। लेकिन जो रियलमी 6 का अडोप्टर है वो भी यहाँ पे थोड़ा आगे यहाँ पे निकल जाता है, इसमें आपको जो अडोप्टर मिलता है यहाँ पे सुपर वो अडोप्टर यहाँ पर मिल जाता है 120W का मिल जाता है रियलमी GT6 का अडोप्टर, जो कि काफ़ी ज़्यादा फास्ट यहाँ पर होने वाला है। और वन प्लस का आपको मिलता है यहाँ पे 100W का वन प्लस का अडोप्टर यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि वो भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट होने वाला है। लेकिन जो रियलमी GT6 का अडोप्टर है वो जो है थोड़ा आगे यहाँ पे निकल जाता है वन प्लस के मुकाबले, तो अडोप्टर भी यहाँ पर थोड़ा रियलमी का आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो अब जो है बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन की मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की, जो कहने का चिपसेट और प्रोसेसर। तो गाइस,
जो रियलमी जीडीसी का प्रोसेसर है वो आपको मिल जाता है स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 का प्रोसेसर आपको देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा फास्ट यहाँ पर होने वाला है। और जो OnePlus 12R का प्रोसेसर है वो मिल जाता है आपको स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 का प्रोसेसर यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जो कि थोड़ा यहाँ पर पीछे यहाँ पर रह जाता है रियलमी से OnePlus 12R। लेकिन ऐसा नहीं है कि OnePlus 12R का प्रोसेसर जो है काफ़ी ज़्यादा बेकार है, इसका प्रोसेसर भी काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है, आपको यहाँ पर कोई भी यहाँ पर दिक्कत यहाँ पे नहीं आने वाली है। 19-20 का फर्क यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, तो आप इसमें अंदर कोई जैसी मर्जी गेम यहाँ प्ले जो है कर सकते हो और साथ साथ इसमें आप वीडियो वगैरह एडिटिंग यहाँ पर कर सकते हो। लेकिन का यहाँ पे जो OnePlus 12R का रैम मैनेजमेंट है वो मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा यहाँ पर लगा है, जो ऐप वगैरह है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फास्ट यहाँ पर खुलती हैं और यहाँ पर जो वीडियो वगैरह एक्सपोर्ट करनी है वो भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट यहाँ पर एक्सपोर्ट जो है हो जाती है। बाकी मैंने वीडियो में भी ऐड जो किया है, तो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है यहाँ पर जो OnePlus 12R का जो रैम मैनेजमेंट। बाकी दोनों स्मार्टफोन के गाइस मैंने अंतुदु स्कोर और यहाँ पे बेंचमार्क्स यहाँ पे ऐड जो है किए हैं, तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं जो रियलमी GT6 का जो अंतुदु स्कोर है बेंचमार्क्स है वो थोड़ा आपको यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिल जाता है। लेकिन OnePlus 12R से भी आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं आने वाली है, थोड़ा बहुत आपको फर्क यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बाकी दोनों स्मार्टफोन का जो प्रोसेसर है काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है, तो आप यहाँ पे जैसे मर्जी गेम और यहाँ पे एडिटिंग वगैरह जो है कर सकते हैं। तो अब जो आप बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन के कैमराज की, तो गाइस आपको बैक साइड में ट्रिपल कैमरा सेटअप यहाँ पे देखने को मिल जाता है दोनों स्मार्टफोन में। जो रियलमी GT6 का कैमरा है वो आपको यहाँ पे जो मेन कैमरा मिल जाता है 50 MP जिसमें सोनी का LYT 808 सेंसर यहाँ पे यूज़ किया है, जिसमें आपको वॉइस का सपोर्ट भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और दूसरा मिल जाता है गाइस आपको वो भी आपको मिल जाता है 50 MP का, जिससे आप टेलीफोटो लेंस यहाँ पे फोटो क्लिक जो है कर सकते हैं। और तीसरा मिल जाता है गाइस आपको यहाँ पे अल्ट्रा वाइड वो मिल जाता है गाइस आपको 8 MP का, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और फ्रंट मिल जाता है गाइस आपको यहाँ पे 32 MP सेल्फी कैमरा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है रियलमी GT6 में। और गाइस अगर बात करें यहाँ पे OnePlus 12R की, तो गाइस इसके अंदर आपको जो मेन कैमरा मिल जाता है वो मिल जाता है वो 50 MP का, जिसमें सोनी का IMX 890 सेंसर यहाँ पे यूज़ जो है किया गया है, जिसमें आपको ओएस का सपोर्ट भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो आपको यहाँ पे फोटोज वगैरह काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाएंगी। और जो दूसरा मिल जाता है वो मिल जाता है आपको 8 MP का अल्ट्रा वाइड, तो आप यहाँ पे फोटो वगैरह क्लिक जो है कर सकते हैं। और तीसरा मिल जाता है आपको यहाँ पे 2 MP का माइक्रो फोटो लेंस। तो गाइस आपको मैंने यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन के कैमरे स्पेसिफिकेशन यहाँ पर बता दिया है, वैसे गाइस मैंने ऑलरेडी इन दोनों ही स्मार्टफोन की वीडियो यहाँ पर डाली हुई है कैमरे टेस्ट की, तो आप यहाँ पे जाकर यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दे दूँगा। बाकी मैं इन दोनों स्मार्टफोन का कैमरा कंपेरिजन भी लेकर आऊँगा कि दोनों में से किसका कैमरा जो है ज़्यादा बेटर है। तो गाइस आपको मैं कैमरा ओपन करके यहाँ पर दिखा देता हूँ, तो गाइस आप देख सकते हैं। तो गाइस मैंने ओपन यहाँ पर कर लिया कैमरा। सबसे पहले बात करते हैं वीडियो की, तो गाइस आप देख सकते हैं जब वीडियो का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, तो आप यहाँ पे 1080p 60 FPS में आप वीडियो रिकॉर्ड जो है कर सकते हैं दोनों ही स्मार्टफोन में 1080p 60 FPS में, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ पे 4K 60 FPS में गाइस आप यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड जो है कर सकते हैं दोनों ही स्मार्टफोन में, तो आप देख सकते हैं। लेकिन गाइस जब आप इसको यहाँ पे वीडियो यहाँ पे रिकॉर्ड जो है करोगे, तो आपको यहाँ पे रियलमी GT6 में यहाँ पे एक एक्स्ट्रा यहाँ पर फीचर यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि HDR, जो कि गाइस आपको यहाँ पे 1080p 60 FPS में काफ़ी अच्छी वीडियो यहाँ पर निकाल कर यहाँ पर देता है, क्वालिटी वगैरह काफ़ी बेटर आपको निकाल के मैं देख मिल जाती है। और यहाँ पे जो OnePlus 12R है इसमें आपको ये फीचर यहाँ पर देखने को नहीं मिलता HDR का। और गाइस आप यहाँ पे 4K 30 FPS में भी वीडियो यहाँ पे रिकॉर्ड जो है कर सकते हैं HDR मोड में, ये जो है काफ़ी अच्छी बात यहाँ पर हो जाती है। और यहाँ पे आपको ये HDR का ऑप्शन यहाँ पे OnePlus 12R में देखने को नहीं मिलता। तो यहाँ पे जो रियलमी GT6 है वो जो है थोड़ा आगे यहाँ पे निकल जाता है कैमराज के मामले में। बाकी मैं बात करूँ यहाँ पे फ्रंट कैमरे की, तो यहाँ पे रियलमी GT6 भी जो है काफ़ी ज़्यादा आगे यहाँ पे निकल जाता है। तो आप यहाँ पे जो 1080p 30 FPS की वीडियो यहाँ पे रिकॉर्ड जो है कर सकते हैं OnePlus 12R में। और लेकिन दूसरी साइड जो रियलमी GT6 है वो आप यहाँ पे 4K 30 FPS तक यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड जो है कर सकते हैं रियलमी GT6 में, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो यहाँ पे जो रियलमी GT6 का कैमरा है वो जो है काफ़ी ज़्यादा बेटर यहाँ पर निकल कर आता है। बाकी गाइस आपको मैंने यहाँ पे दिखा भी दिया है, तो गाइस आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। तो यहाँ पे इसमें आपको एक्स्ट्रा देखने को मिल जाता है रियलमी GT6 में, और यहाँ पे रियलमी GT6 जो है कैमराज के मामले में काफ़ी आगे यहाँ पे निकल जाता है। तो वीडियोज़ आपको यहाँ पे ज़्यादा बेटर यहाँ पे रियलमी GT6 में देखने को मिलेंगी, जो कि आपको OnePlus 12R में यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगी। बाकी मैं इन दोनों स्मार्टफोन का कंपेरिजन जो है लेकर आऊँगा, तब हमको अच्छे से पता लग जाएगी कि दोनों स्मार्टफोन का कैमरा जो है कैसा है। बाकी गाइस आपको मैंने दोनों स्मार्टफोन यहाँ पर दिखा दिया है, दोनों स्मार्टफोन जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। बाकी अगर मैं बात करूँ इन दोनों स्मार्टफोन की कनेक्टिविटी की, तो गाइस दोनों स्मार्टफोन में आपको सभी प्रकार की कनेक्टिविटी यहाँ देखने को मिल जाती है, NFC, ब्लूटूथ, वाईफाई। और ये दोनों स्मार्टफोन आपको 5G
के साथ देखने को मिल जाता है 5G बैंड के साथ। लेकिन जो रियलमी जी का 5G है वो मेरे को ज़्यादा बैटरी यहाँ पर लगा है, तो मैं हर सिचुएशन में स्मार्टफोन को यहाँ पर यूज़ किया, तो यहाँ पर जो 5G नेटवर्क है वो यहाँ पर रियलमी में कभी मैंने ड्रॉप होते हुए नहीं देखे हैं। लेकिन ये जो है मनफ्लस 12 का जो 5G है वो जो है कभी कभी यहाँ पर 4G नेटवर्क यहाँ पर दिखा देता है। तो यहाँ पे जो 5G नेटवर्क है वो जो है रियलमी का थोड़ा ज़्यादा बैटर आपको देखने को मिल जाता है। और अगर बात करूँ मैं दोनों स्मार्टफोन के यहाँ पे थोड़ी वेट की, तो गाइस आप देख सकते हैं दोनों स्मार्टफोन का जो वेट है गाइस वो जो है मेरे को यहाँ पे जो रियलमी का है वो जो थोड़ा कम देखने को मिला, लेकिन OnePlus 12R का थोड़ा ज़्यादा है। और यहाँ पे जो OnePlus 12R थोड़ा थोड़ा यहाँ पे हैवी है, थोड़ा बल्कि आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे जो Realme GT 6 का है वो थोड़ा आपको स्लिम देखने को मिल जाता है और यूज़ करने में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया यहाँ पर रहता है। और दोनों स्मार्टफोन में जो आपको बैटरी भी सेम मिलता है, फिर भी जो Realme GT 6 है वो जो आपको काफ़ी स्लिम और काफ़ी कम वेट में देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और गाइस अगर मैं बात करूँ यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन की प्रोटेक्शन की, तो गाइस आपको दोनों स्मार्टफोन की प्रोटेक्शन यहाँ पे सेम देखने को मिल जाती है। गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स 2 की प्रोटेक्शन आपको देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। तो गाइस यही था इन दोनों स्मार्टफोन का कंपैरिजन, जो कि गाइस मैंने आपको करके यहाँ पर दिखा दिया। दोनों स्मार्टफोन जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया, काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। बाकी गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा स्मार्टफोन आपको ज़्यादा पसंद यहाँ पर आया, तो गाइस आप परचेज जो है कर सकते हैं। तो गाइस आपको मैंने दोनों ही स्मार्टफोन यहाँ पर दिखा दिया, Realme GT 6 और OnePlus 12R। दोनों ही स्मार्टफोन जो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हैं। लेकिन दोनों ही स्मार्टफोन में से Realme 6 जो है थोड़ा ज़्यादा बैटरी यहाँ पर देखने को मिल जाता है, क्योंकि इसके अंदर वो कैमरा अच्छा मिल जाता है, AI फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जो पिक ब्राइटनेस है वो मिल जाता है वो 6000 nits की, जो कि आपको OnePlus 12R में देखने को नहीं मिलती। इसके अंदर गाइस आपको सिर्फ एक स्लाइडर बटन यहाँ पर देखने को नहीं मिलता, जो कि गाइस आपको OnePlus 12R में देखने को मिल जाता है। लेकिन दोनों ही स्मार्टफोन जो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। लेकिन गाइस जो भी स्मार्टफोन आपको कम प्राइस पर मिले, आप वो स्मार्टफोन यहाँ परचेज जो है कर सकते हैं। भाई अगर आपको ये वीडियो यहाँ पर अच्छी लगी है, कंपैरिजन अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना गाइस, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जो है कर देना गाइस ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। भाई गाइस मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।